जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 13 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, उनके भतीजे आकाश आनंद और अन्य लोग पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आकाश आनंद पार्टी के अन्य नेता भी मंगलौर सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार करेंगे। मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। इस सीट से बीएसपी के टिकट पर सरबत करीम अंसारी विधायक चुने गए थे। अंसारी के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी। बीएसपी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। पार्टी को लगता है अगर मेहनत की जाए तो दोबारा से ये सीट जीती जा सकती है। बीएसपी ने 13 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे पहला नाम बहन मायावती जी का है, दूसरा नाम आकाश आनंद का है। बीएसपी आम तौर पर उपचुनाव बहुत कम लड़ती है। जहां बीएसपी लड़ती है वहां बहन मायावती खुद प्रचार करने नहीं जाती हैं, लेकिन इस बार ये पहला मौका होगा कि जब मायावती उपचुनाव में प्रचार करेंगी। अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आपको बता दें, मंगलौर सीट को भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई है। मंगलौर से बीएसपी और कांग्रेस दोनों अक्सर जीतते आए हैं। विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीएसपी को जीत मिली थी। यहाँ पर 45% मुस्लिम और 55% हिंदू है। हिंदुओं में करीब 18% दलित वोटर है। दलित और मुस्लिम वोटरों का यहाँ पर बीएसपी को समर्थन मिलता है। इसमें बीएसपी के लिए खास बात ये है, अब आकाश आनंद की वापसी हुई है, क्योंकि स्टार प्रचारकों में मायावती के बाद जो दूसरा नाम है वो आकाश आनंद का है। ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में एक बार फिर से मौका दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलौर सीट से बहुजन समाज पार्टी ने विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को ही टिकट दिया है। थैंक यू।